देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दो पार्ट इसके बना लिए, इसके दो पार्ट बनेंगे। हमने आठ आठ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ लाइनें हमने, 16 लाइनें हमने बनाई, और आठ इस साइड, आठ इस साइड, इस साइड भी हमने नौ, इस साइड हमने नौ बनाई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसी में अभी हमने उल्टी उल्टी सिलाई डाली थी, यहाँ पे भी हमने इस साइड में नौ डाली हैं। अब यहाँ भी हम एक रो डालेंगे और इसको इकट्ठा करेंगे। ये देखिए इसको इस तरह से हम इस साइड में, देखिए यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा टाइट खींच के रखेंगे, क्योंकि नहीं तो गैप आ जाएगा। इस तरह से हम ये सिलाई भी डाल के नौ सिलाई हम इस साइड भी पूरी करेंगे, तो हमारे दोनों साइड में हमारी नौ नौ से लाइनें आ जाएंगी। इस तरह से हम इसको एक ही सिलाई में, इस देखिए हमने एक ही सिलाई में हम इनको ज्वाइंट कर लिया है। चलिए सिलाई पूरी करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सिलाई पूरी डाल ली, धागा हमने जैसे पहले ही काट दिया था जो एक्स्ट्रा था हमारा। अब हमारा दोनों साइड में ये देखिए नौ नौ लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह इस साइड भी हो गई है। तो ये हमारा, ये देखिए ये जो हमने यहाँ का ये पार्ट बनाया, ये हमारा पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे ये वाला जो है हमारा क्रीम कलर का, हम क्रीम कलर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी हम क्रीम कलर लेंगे, और यहाँ पे भी हम ये देखिए 10 नंबर की सिलाई लेंगे, क्योंकि हमारी ये जो क्रीम कलर की ऊन है ये थोड़ी बारीक है, ये वाली मोटी थी इसलिए हमने 9 नंबर की सिलाई ली थी, ये थोड़ी ऊन बारीक है इसलिए हम यहाँ 10 नंबर की सिलाई ली है। तो चलिए अब यहाँ पे भी हम धागा काट देंगे इसको, क्योंकि अब हमको ये वाले कलर की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से 10 नंबर की सिलाइयों के ऊपर हम यहाँ से, ये देखें फ्रेंड्स, 10 नंबर की सिलाइयों पे हम इसको हम यहाँ से धागे को खींच लेंगे। ये जो हमारे पास दोनों धागे हैं, इसको दोनों को हम, ये देखिए दोनों धागों को हम इधर से, ये हम उल्टी साइड में लगाएंगे, नहीं तो हमारा जो सीधी साइड में है हमारा वाइट धागा जो है वो दिखेगा। एक्चुअली हमने ऑफ वाइट धागा लगाया है क्रीम कलर का, ये देखिए उन्हें, ये देखिए उन हमारी बारीक है इसलिए हमने 10 नंबर की सिलाइयाँ लगाई हैं। इस तरह करके हम, इस तरह करते करते हम इसको बनाते जाएंगे पूरा। हम एक सिलाई हम यहाँ पूरी उल्टी डाल लेंगे, चलिए डाल के दिखाते हैं। देखिए जितनी हमारे पास एक्स्ट्रा ऊन है उसको हम यहाँ से काट देंगे। अब हम सारी सिलाई, फर्स्ट वाली सारी सिलाई उल्टी उल्टी डालेंगे, चलिए पूरा करके फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने सारी सिलाई, ये देखिए एक सिलाई उल्टी उल्टी डाली क्रीम कलर से। अब हमारे पास, हम सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास 50 इसमें फंदे थे और 50 ये देखिए दो हमारे पास पार्ट हैं, दोनों में 50-50 फंदे थे। ये अब हमारे पास देखिए 100 फंदा हो गया है। अब हम 100 का 100 फंदा इकट्ठा बुनेंगे। ये देखिए यहाँ से अभी हम दो फंदे, देखिए पहला हम ऐसे ही उतारेंगे इसको, तो हमेशा जब भी आप कुछ भी बुने पहला फंदा ऐसे ही उतार लीजिए, फिर एक सीधा बुनेंगे, उसके बाद देखिए दो सीधे हो गए हमारे, दो उल्टे, फिर दो सीधे, दो सीधे बनाए और फिर दो उल्टे बनाए। इसी तरह हम अपनी पूरी सिलाई पूरी करेंगे, दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे, बनाते 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 हुए हम यहाँ तक, देखिए हमने टोटल 18 सिलाइयाँ डाली हैं, 16 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे डाल दी हैं, एक हमारी उल्टी हो गई थी 17 हो गई, और एक में हमने फंदे घटाए हैं बाद में, तो टोटल हमने 18 सिलाइयाँ बनानी है, 17 सिलाइयाँ बनानी है। तो चलिए हम 17 सिलाइयाँ बना के आपको दिखाते हैं कि 17 सिलाई के बाद क्या करना है। अब पूरा देखिए वीडियो, तभी आपको पता लगेगा कि अब क्या करना है। देखिए अभी हम इसको पूरा 100 फंदे जो हैं हम सबके सबको
दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे बनाएंगे। जब हमारी उल्टी सिलाई आएगी तो उल्टे के ऊपर उल्टा और सीधे के ऊपर सीधा बनाएंगे। ऐसे ही हम ये बॉर्डर बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से हम दो सीधा दो उल्टा बना रहे हैं। इस साइड आएंगे तो सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा बनाएंगे। तो चलिए बना के दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 17 सिलाइयाँ डाल ली हैं, दो उल्टा दो सीधा का हमने पूरा बॉर्डर बना लिया है। ये हमने 16 सिलाइयाँ दो उल्टी दो सीधी बनाई और एक सिलाई से भी हमने यहाँ से कलर लगाया था, तो हमारी 17 सिलाई हो गई। अब हम फिर वापस यहाँ से यही कलर वापस लगाएंगे और 9 नंबर की सिलाई ले ली है। यहाँ पे भी हम वापस से देखिए, अभी पहले हम शुरू से ही यहाँ जितने हमारे पास हैं हम सबका दो दो का एक करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सीधी साइड से ली है, लेकिन इसमें अब बॉर्डर आएगा तो कोई सीधा और उल्टा का है नहीं। देखिए यहाँ हमने सबका दो दो का एक एक फंदा कर देना है। ये देखिए पीछे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी हम इसको इस तरह से, ये जो धागा है इसको हम इस तरह से लेते जाएंगे। ये देखिए दो का एक किया, ये देखिए फिर से हम यहाँ दो का एक करेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर दो का इस तरह दो का एक करते जाएंगे। जो सीधा है उसको सीधी साइड से दो का एक करेंगे और जो उल्टा है उसको हम उल्टी साइड से दो का एक करेंगे। इस तरह हम सारे फंदे दो का एक एक करते जाए। जितने हमारे पास फंदे हैं वो हमारे आधे फंदे रह जाएंगे। देखिए हमारे पास 100 फंदा था, 50 ये साइड का और 50 ये साइड का। अब हम इसको घटा देंगे और ये वाला वाइट धागा हम थोड़ा सा इतना सा छोड़ के, देखिए इतना सा हमने छोड़ दिया है ताकि हम यहाँ इसकी सिलाई कर सकें, बाकी हमने धागा हटा दिया है। अब हम सारे फंदे, ये देखिए यहाँ सारे हम, ये देखिए दो का एक करेंगे। चलिए हम सारे फंदे घटा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने सारे फंदे सीधे का सीधा इस तरह घटा दिए हैं और उल्टे का उल्टी साइड से उल्टा करके घटा दिया है। चलिए पूरे फंदे घटा के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ 18 सिलाइयाँ डाल ली हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो चौड़ाई थी ये हमारी पूरी हो गई है। अब हम यहाँ पे वापस से पिंक वाला धागा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे भी इसी तरह हम, पहले हमने दो सीधे डाल लिए हैं, यहाँ पे भी हम सिलाई के लिए धागा छोड़कर बाकी धागा, ये देखिए सिलाई के लिए धागा छोड़कर बाकी धागा हम काट दें। ये इसको ऐसे ही पकड़ेंगे। अब हम सीधे फंदों पे सीधे फंदे डालेंगे और उल्टे फंदों पे उल्टे घटाएंगे। ये देखिए यहाँ से भी हमने दो का एक किया और यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे भी, सॉरी अब हमको फंदे घटाने हैं। ये देखिए यहाँ से भी हम इसको टाइट कर लेंगे और यहाँ दो का एक करेंगे। धागा ऐसे थोड़ा पकड़ेंगे और धागा आगे की साइड में करेंगे, फिर हम उल्टे पे हम उल्टे का दो का एक करेंगे। इसको इस तरह से हम धागे के ऊपर से निकाल लेंगे और यहाँ दो का एक करेंगे, फिर हम सीधा करेंगे और सीधी साइड में फिर से हम दो का एक करेंगे। इसी तरह हम उल्टा साइड में उल्टे के ऊपर हम उल्टा और सीधे के ऊपर सीधा हम इसको दो दो का एक करते जाएंगे। देखिए जितने हमारे पास फंदे हैं सारे हमारे फंदे जो हैं वो आधे रह जाएंगे।
क्योंकि हमको सबको घटा के दो दो का एक कर देना है। जो हमने दो दो सीधे डाले हैं वो सीधे घटा देंगे, ये देखिए जो दो दो उल्टे हमने डाले हैं उसको उल्टे से घटा देंगे, ये देखिए इस तरह से हम सारे फंदे घटा के इसको साथ में लेते जाएंगे। इस तरह सारे फंदे हम घटा के हमारे आधे फंदे रह जाएंगे। चलिए पूरे फंदे घटा के फिर आपको बताते हैं। इस तरह हम सारे अपने फंदे आधे आधे, दो सीधे पे दो का एक, उल्टे पे दो का एक, इसी तरह एक एक दो का एक एक करके इसको घटाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे हमने दो दो का एक कर दिया है, दो दो फंदे घटा दिए। अभी हमारे फंदे जितने थे उसके हाफ रह गए हैं। अभी हम यहाँ से पहला फंदा देखिए इस ऐसे ही उतारेंगे, उसके बाद हम सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे, इसी तरह हम 10 सिलाइयाँ बना लेंगे। 10 सिलाई बना के हम देखिए जैसे ये हमने बनाई है, इसी तरह 1 2 3 4 5 हमने 5-10 सिलाई बनाई है। तो 10 सिलाई बना के हम बाद में आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 12 सिलाइयाँ डाल दी हैं, 1 2 3 4 5 6 हमने इधर लाइनें बना ली, रो बनाई, और 1 2 3 4 5 6 इधर बनाई हमने। तो देखिए ये हमारा जो जितना हमारा मोजे का था ये कंप्लीट हो गया था। अब हम यहाँ से ये देखिए अभी हम यहाँ से फंदे घटाएंगे। फंदे घटाने के लिए ये देखिए हम यहाँ से दो का एक करते जाएंगे। हम इतना लूज़ भी ज़्यादा नहीं करेंगे और बहुत टाइट भी नहीं करेंगे कि हमको पैर में डालने के लिए प्रॉब्लम हो जाए। ये देखिए इसके लिए यहाँ पे थोड़ा हम लूज़ ही रखेंगे। ये देखिए इस तरह हम ये देखिए दो का एक करते जाएंगे। हमने ये एक हमारे पास है, हमको इस हम इधर ये वाली सिलाई में डालेंगे और यहाँ हम दो का एक करेंगे, फिर हम इसको ये सिलाई में डालेंगे, फिर यहाँ दो का एक करेंगे, फिर ये वाली इस सिलाई में डालेंगे तो दो का एक करेंगे। चलिए अभी हम आपको पूरा करके फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम लास्ट में आ गए, यहाँ से देखिए फिर से दो का एक किया और यहाँ भी दो का एक कर दिया। इस तरह हमने देखिए खींच लेंगे इसको, इस तरह से ये हमारे फंदे जो हैं घट गए। ये देखिए इस तरह से हमारे ये इस शेप में हमारा ये देखिए इस शेप में हमारा ये मोजा बन गया। अब हम यहाँ से धागा खींच के इसको यहाँ से काट देंगे। देखिए देखिए फ्रेंड अब हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए सिलाई करने के लिए हम पहले बैक साइड में सिलाई करेंगे। ये देखिए ये जो है साइड का है, हम पहले यहाँ से अभी हम पहले साइड में सिलाई करेंगे। ये देखिए इसको अभी हम उल्टी साइड करेंगे, हम सीधी साइड से सिलाई नहीं करेंगे, उल्टी साइड करेंगे। देखिए यहाँ से भी हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी हम एक पहले टांका लगा लेंगे ताकि यहाँ से हमारी सिलाई जो है खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से यहाँ से एक टांका पक्का कर देंगे, नहीं तो कई बार क्या होता है सिलाइयाँ खुल जाती हैं, अच्छा वाला मोजा भी हमारा वेस्ट हो जाता है। ये देखिए इसको इस तरह से टाइट कर देंगे। अब हम यहाँ से देखिए हमने पहले पहला फंदा हमेशा बिना बुने उतारा है तो हमारी ये इस तरह से चेन सी आ जाती है, हमको सिलाई करने में भी आसानी रहती है। देखिए दोनों साइड से हमने पहला फंदा बिना बुने उतारा, इसके लिए अभी हम इसको इसी तरह से सिलेंगे। एक बार इधर से लेंगे और एक बार इधर से लेंगे, देखिए अंदर को अंदर को इस तरह से आप बेशक पकड़ लीजिए
और एक बार यहाँ से अंदर को करेंगे और एक बार यहाँ से अंदर से बाहर को करेंगे। अब यहाँ से लेंगे इस तरह से, हम यहीं तक ही ये कलर से हम यहाँ तक ही सिलेंगे। हम यहाँ पे भी पक्का धागा कर देंगे। यहाँ देखिए दो बार हमने टांका लगाया, ये तीसरी बार हो गया। और इसको यहाँ से एक बार फिर से निकाल के इसको एकदम पक्के से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से पक्का कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से यहाँ से भी हम इसको यहाँ से इसके अंदर अंदर से निकाल के धागा कर देंगे। अब हम यहाँ पे ये देखिए हमने क्रीम कलर का धागा छोड़ा था, तो अभी यहाँ पे भी हम ये धागा डालेंगे। अब हम यहाँ इसको यहाँ तक जहाँ तक हमारा ये वाइट ऑफ वाइट कलर का है वहाँ तक हम इसको ऑफ वाइट से सिलाई करेंगे। यहाँ से उसके बाद ये सिलाई करेंगे यहाँ तक, और फिर उसके बाद ये वाला हमारे पास धागा है उसको हम यहाँ से देखिए यहाँ से भी हम इसको गांठ लगा लेंगे दोनों को। यहाँ से देखिए यहाँ से भी गांठ लगाएंगे अच्छे से ताकि पक्का हो जाए। और एक धागे से सिलाई करेंगे, बाकी जो जितने एक्स्ट्रा धागे हैं वो हम बाद में काट देंगे। यहाँ भी अभी हम एक बार टांका लगा के यहाँ भी हम इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे। दो बार करेंगे और इसके बाद इसको थोड़ा सा लंबा करके ये देखिए अगर हम यहाँ से काट देंगे तो थोड़े टाइम के बाद निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस तरह लंबा लेके जाएंगे और इसको इस तरह से इसको धागा काट दें। अब हम यहाँ से भी सिल लेंगे। चलिए सिल के पूरा दिखाते हैं। देखिए जब ये सिलाई करेंगे तो ये जो हमारे धागे हैं इसको हम ये देखिए जितने हमारे पास एक्स्ट्रा धागे हैं उसको हम इसको ये देखिए यहाँ से भी हम इसको अंदर की साइड में ले लेंगे ताकि हमारे जो धागे हैं वो बाहर की साइड में दिखे नहीं। ये देखिए एक बार इधर से लेंगे, एक बार उधर से लेंगे। इस साइड से भी ऐसे ही करेंगे ताकि दोनों साइड के जो हमारे धागे हैं वो हमारे ऊपर की साइड में दिखे नहीं। इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। ये देखिए इसको भी हम यहाँ दो तीन बार
अच्छे से पक्की गांठ लगा लेंगे और इसके बाद यहाँ से दो तीन बार करके निकाल देंगे। इसी तरह हमने ये भी किया है, इसको भी सारे धागे जितने हमारे पास एक्स्ट्रा धागे हैं उसको हम ये देखिए काट देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा ऊपर का हिस्सा देखिए तैयार हो गया है। अब हमको यहाँ नीचे से सिलाई करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ऊपर का हिस्सा सियेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए दो हमारे पार्ट हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरह, ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह पकड़ेंगे यहाँ से, और इस तरह से इसको वी शेप बना लेंगे। ये देखिए यहाँ से पहले हम ये वाला साइड सियेंगे। ये देखिए यहाँ से भी हम, ये देखिए कोई भी आप साइड ले लीजिए, ये देखिए यहाँ से भी हम इसको यहाँ तक, यहाँ कॉर्नर पकड़िए और इसको यहाँ तक खींचना नहीं है, ढीला ही रख के इसको इस तरह से इस साइड से इस तरह से हम सियेंगे। ये देखिए यहाँ पे पहले हम गांठ लगा लेंगे धागे को। डबल गांठ करेंगे हम यहाँ। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, पूरा हम इसको वी शेप कर देंगे। ये देखिए इस तरह से कर देंगे। आप ध्यान रखिएगा ये उल्टी साइड में होना चाहिए, अगर सीधी साइड में हो गया तो आपको फिर से वापस उधेड़ना पड़ेगा, ये अंदर की साइड में जाएगा। ये देखिए अब यहाँ से एक इधर से लेंगे टांका हम, और एक टांका हम इधर से लेंगे। फिर एक बार इधर से लेंगे और एक बार इधर से लेंगे। फिर एक हम इस साइड से, दोनों साइड से हम एक एक बार टांका लगाते जाएंगे। ये देखिए इसको हम यहाँ तक सिलेंगे। खींचना किसी को भी नहीं है, दोनों को एक जैसा ही ढीला रखना है। ये देखिए एक साइड हमारा हो गया। इसी तरह हम इस साइड भी इसी तरह इसको भी ऐसे ट्रायंगल करेंगे। ये देखिए इस तरह करेंगे और यहाँ से अभी हम सिलना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए
ऐसी सॉक्स में हमको अंगूठे का नहीं देखना पड़ता कि राइट साइड में निकालना है कि लेफ्ट में निकालना है, क्योंकि हमने सेंटर से कर लिया है तो ये सब एक जैसा ही हो जाता है। इस तरह से हमने सिल लिया, अब हम यहाँ से भी इसको सिलेंगे। चलिए दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड से सिल लिया है। अब हम यहाँ से इसको धागा काटेंगे नहीं, बार बार धागा काटेंगे तो गांठ भी आती है और कच्चा कच्चा रह जाता है। ये देखिए, यहाँ से भी हम इसको इस तरह से धागे को यहाँ निकाल लेंगे, इसको बराबर खींच के रखेंगे और यहाँ से निकालेंगे। और यहाँ से भी हम, ये देखिए, यहाँ से भी हम इसको सिलना शुरू करेंगे। ये देखिए, यहाँ से भी हम सिलेंगे। एक बार हम उसी तरह उधर से लेंगे और एक बार इधर से लेंगे। ये देखिए, इसी तरह हम अपना पूरी सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से दूसरी तरह से भी सिल सकते हैं। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे सिल लीजिए तो भी हो जाता है। आपको जैसे इजी लगे आप ऐसे सिल लीजिए। इसको भी हम यहाँ लास्ट तक सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी सॉक्स सिल ली है। अब हम यहाँ लास्ट में आए, लास्ट में हम यहाँ एकदम अच्छे से धागे को पक्का कर देंगे। ये देखिए, इस तरह पक्का करेंगे और इसको यहाँ से ऐसे करके यहाँ से इसको अच्छे से खींचेंगे और यहाँ से भी हम इसको यहाँ से निकाल के इसको यहाँ कर देंगे, यहाँ से धागा काट देंगे। इस तरह अभी हम सीधा करेंगे तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारी जो सॉक्स है देखिए कंप्लीट हो गई है। अंगूठे वाली सॉक्स कंप्लीट हुई। आशा है आप लोग को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। चलिए पहना के दिखाते हैं। इस देखिए, इस तरह से हमने, देखिए यहाँ से सिलाई भी हो गई और यहाँ से देखिए हमारी ये दोनों मोजे तैयार हो गए हैं। ये देखिए, दोनों सॉक्स तैयार हो गई हैं हमारी। ये देखिएगा, आशा है आप लोग को पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह से